गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कोमलप्रीत कौर। आज मैं मेकअप का वीडियो बनाऊंगी, जैसा तैसा भी करती हूँ मैं। और फिलहाल मैं कोची में हूँ और मेरा फ्लाइट है 1 घंटे में, मतलब मुझे निकलना है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ मेकअप करूँगी, जो भी मैं करती हूँ, कौन सा प्रोडक्ट है कौन सा नहीं है सब मैं डिस्क्राइब कर दूँगी। और चलिए चलते हैं, क्योंकि अब तो मैंने पूरा दिन सोया, मूवी देखा, शेषा रोई काफ़ी एंड चलो निकाल लिया टाइम, बड़ा मेकअप करते हैं। सो अभी मैंने ड्रेस पा ली है एंड अब हम मेकअप करेंगे। यस, सो मेकअप में मेरा फर्स्ट स्टेप रहता है मॉइस्चराइज़र, जो कि आप सब लोगों को पहले से ही पता होगा, आप सब भी करते हैं। एंड ये मॉइस्चराइज़र सेटाफिल से है। आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस प्रोडक्ट, और मतलब ये मुझे मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा खास है और बकवास है, कुछ नहीं, मतलब ठीक ठीक है, मेरे पे वॉर्म लगता है थोड़ा, बट इट्स ओके, काम कर रहा है एंड आई एम हैप्पी विद दैट। एंड माई सेकेंड स्टेप इज़ सनस्क्रीन लगाना, विच इज़ फ्रॉम डॉट इन की, ये मैंने पूरा स्टेप नहीं दिखाया बिकॉज यू नो हाउ टू अप्लाई। एंड द थर्ड स्टेप इज़ कंसील करना रातों में ये जग जग के जो मैंने डार्क सर्कल्स पाले हैं क्योंकि यार फ्लाइट्स भी रातों की होती है तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत ना, तो ये मैं कंसील कर रही हूँ। एंड दिस इज़ फ्रॉम प्रोगल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये प्रोगल का है। फिर इसको मैं अभी ब्लेंड कर दूँगी ब्लेंडर पे वाटर स्प्रे मार के, क्योंकि उससे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है यार। फिर ऐसे मैंने अपने डार्क सर्कल्स छुपा लिए हैं दुनिया से। एंड द थर्ड स्टेप इज़ दैट आई यूज़ कॉम्पैक्ट पाउडर फ्रॉम फेसेस कैनेडा। इससे मतलब ठीक है यार, वो थोड़ा अच्छा भी लगता है गोरा गोरा, और फिर मतलब स्वेटिंग वगैरह की वजह से मैं ये लगा लेती हूँ, और कंसीलर जो है ना पूरा सेट बैठता है इसकी वजह से। सो दिस इज़ माई फोर्थ स्टेप। एंड द फिफ्थ स्टेप इज़ फाउंडेशन लगाना, विच इज़ फ्रॉम Forever 52। ये हमें रिकमेंडेड ब्रांड्स थे तो हमने उसमें से ही ब्रांड्स खरीदे हैं, मतलब मैंने तो ये मतलब इसको मैं ब्लेंड जो करती हूँ ना मेकअप ब्रश से ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ब्लेंड से बहुत टाइम लगता है और फिर मतलब ब्रश ठीक रहता है यार, तो मैं ब्रश यूज़ करती हूँ, ठीक है। और ये मैंने अपना फाउंडेशन लगा लिया है। अब इसके बाद हम करेंगे आई मेकअप। ये कैल का पैलेट है विच इज़ रिकमेंडेड फॉर अस, एंड इसमें 6 शेड आते हैं जिसमें से एक शेड अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ पीच वाला। और ये मेकअप ब्रश जो मैंने व्लॉग डाला था, मिनी व्लॉग, जिसमें मैंने बताया था ये कहाँ से खरीदा है, कौन सा है, देख सकते हैं आप। एंड दिस इज़ द शेड दैट आई एम यूजिंग, काफ़ी यूज़ कर चुकी है इसलिए आपको दिख रहा है बीच में छेद उसके। एनीवेज, सो या ये मैंने आई शेडो लगाया है। नाउ दिस इज़ आर ब्लू आई लाइनर फ्रॉम लैक्मी। ये वाटर प्रूफ नहीं है बट ये अच्छा लगता है दिखने में, और मोस्टली सबके पास ये है। तो अभी ये आई लाइनर लगा के मैं वापस आऊँगी थोड़ी देर बाद। और ये जब मैं आई लाइनर लगा रही थी तो मैं अपनी कलीग को कह रही थी यार गाने लगा दो अपने फ़ोन में, एंड शी थॉट लाइक शी डिडंट नो दैट आई एम रिकॉर्डिंग, शी वॉज लाइक ओह सॉरी। आई सेड टू हर कि कोई बात नहीं, एडिट कर दूँगी, कोई बात नहीं। फिर ये मैंने अपने सॉन्ग्स लगाए कि हाँ चलो थोड़ा मूड वगैरह ठीक करते हैं, कोई बात नहीं, मतलब नाचना गाना चलता है। एंड देन आई एम डन विद माई लाइनर, आई लाइनर फाइनली आफ्टर एजेस। नाउ आई एम अप्लाइंग ब्लश फ्रॉम कलर बार, एंड दिस इज़ माई ऑब्वियसली ब्लश का ब्रश। एंड या इसमें मतलब ये देखिए कैसे फेक स्माइल करते करते ब्लश लगाया जा रहा है, खुशी वैसे है नहीं ज़िंदगी में। एनीवेज, अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लेके अपना मेकअप सेट कर दूँगी, देख लो स्पीड में कर दिया है मैंने। एंड द लास्ट स्टेप इज़ मैं ग्लिटर लगाना भूल गई थी तो ये ग्लिटर लगा रही हूँ, इसी आई पैलेट में से यूज़ कर रही हूँ, एक ग्लिटर वाला हमारे पास है शेड तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैं अपना ग्लिटर वाला पैलेट लाई थी। अब सब काम हो गया है तो अब वो लगाना रह गया है, मतलब दो चीज़ें अभी भी रह गई है। वन इज़ What do we call it? Mascara, yes. तो ये L'Oreal का है और ये भी recommended है तो मैंने ये खरीद लिया था। अब ये मुझसे खुल नहीं रहा था तो मैं साइड पे गई, कपड़ा उठाया और वहाँ से खोला, बिकॉज हाथ obviously moisturized है इसलिए नहीं खुल रहा था। obviously overreacting. And yeah, अभी ये mascara लगा के I'm ready. Now I'll use makeup set spray. एंड आई गेस ये ब्लू हेवन का है, और ये मतलब आई गेस ना ये मेरे फेस पे ग्लो देता है मेकअप करने के बाद, पूरा सेट भी करता है ग्लो भी देता है। एंड नाउ दिस इज़ द लिपस्टिक फ्रॉम मेबेलिन, लॉन्ग लास्टिंग रहती है अगर आप लिप बम ना यूज़ करो। एंड आई एम डन, yeah. सो अभी मैं ये फुल मेकअप लुक दिखा दिया है, अभी हम
हेयर डू करेंगे और हेयर डू करके फिर आपको बताएंगे फुल लुक। ओके सो आई एम ऑल रेडी, जैसे कि आप देख सकते हैं और सुंदर अति सुंदर टाइप्स। पीछे मेरा मंदिर दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। सो गाइज आई एम ऑल रेडी, पूरा मेकअप करके बाल वगैरह बना के, बाल देखते हैं तो आई गेस दिख रहे होंगे। यस मेरी कलीग भी तैयार हो गई है, अब मैं खाना खाऊंगी और बॉम्बे ऑपरेट करूंगी एंड देन बॉम्बे से दिल्ली जाऊंगी, घर जाऊंगी, रेस्ट करूंगी। पूरे 2 दिन है मेरे पास, सोऊंगी और कुछ नहीं करूंगी। दैट्स इट, सो बाय बाय, थैंक यू।